हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्याएं 22 से 33 तक। लोगों के खाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत पीटर और पौलुस कलीसिया के दो स्तंभ माने जाते हैं, क्योंकि कलीसिया की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही, जहां पेत्रुस ने यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया, वहां पौलुस ने गैर यहूदियों के बीच। प्रथा के अनुसार दोनों रोम में शहीद हुए। उनके कब्रस्थानों पर शुरू से ही तीर्थयात्रियों की भीड़ बनी रहती आई है। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने दोनों प्रीतों के कब्रों पर भय मंदिर बनवाए। वे मंदिर तो नहीं रहे पर उन मंदिरों का पुनः निर्माण हुआ। या संयोग की बात नहीं कि दोनों प्रीतों की समाधि रोम में है। यह दर्शाता है कि भौगोलिक दृष्टि से कलीसिया विभिन्न देशों और लोगों के बीच कार्य करते हुए भी एक है। हम सभी यीशु के शिष्य हैं और संत पेत्रुस और पौलुस के शिष्य हमारे विश्वास से स्तंभ हैं। संत पौलुस एक बंदी के रूप में रोम लाया गया। यरूशलेम से रोम की समुद्र यात्रा ना केवल लंबी
और कष्टमय थी, पर जोखिमों से भरा। वे हिम्मत हारने वाले नहीं थे। ईश्वर ने पौलुस के माध्यम से उनके साथ यात्रा करने वाले लोगों को डूबने से बचाया। रोम में यहूदियों ने उनका साथ नहीं दिया, पर उन्होंने 2 वर्षों तक आत्मविश्वास के साथ और निर्विघ्न रूप से गैर यहूदियों को ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाया। पेत्रुस के जीवन में उतार चढ़ाव आए, पर यीशु ने उनको डूबने से बचा लिया। उन्हीं अल्पविश्वासी चट्टान पर यीशु ने कलीसिया को खड़ा किया। आखिर विश्वास एक दान है जिसे ईश्वर की कृपा से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम इस बात को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं तो हम निभक होकर संत पेत्रुस और पौलुस के समान पुनर्जीवित यीशु का संदेश फैला सकेंगे।